हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अर्चना सिंह, आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, मैंने ये लिए हैं मसाले चने, जो आसानी से मिल जाते हैं। ये मैंने 2 पैकेट लिया था। तो आइए, इस चने को और भी चटपटा बनाने के लिए क्या क्या मिक्स करते हैं, क्या क्या इसमें चीज डालते हैं, तो चलते हैं अपने और भी सामानों की तरफ। तो ये देखिए, मैंने इस बाउल में ले लिया था चना। तो इसमें हमको ज्यादा मसालों का उपयोग नहीं करना है, इस पे खुद ही मसाला है। तो ये देखिए, मैंने शिव नमकीन ले ली है। मैं पैकेट द्वारा आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कितना क्या डालना है। तो मैंने 1 पैकेट इसमें शिव नमकीन डाल ली है। और अब इसमें हम डालेंगे जो नूरी नमकीन आती है, ये देख सकते हैं 1 पैकेट मैंने नूरी नमकीन डाली है। ये नूरी और सेव नमकीन डाल दिया। अब इसमें हम बारीक कटा टमाटर डालेंगे। ये मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया था। तो ये बड़ों को बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। ज्यादा अमचूर पाउडर वगैरह मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चना में बहुत मसाले पड़े हुए हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। देखिए, हमने इन सब्जियों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो डालेंगे हम, वो है कटा प्याज। अब इन सब चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। और इसमें अब बचा क्या, बारीक कटी हुई धनिया और मिर्च। अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया और मिर्च डालेंगे। अब लास्ट में क्या डाल, और लास्ट में हमें इन सब चीजों को अच्छे से मिलाना है। और इसमें एक चीज और डालनी है, वो है जो लाई होती है चावल की, और इसमें हमने सेव मिक्स है, थोड़े मूंगफली के दाने हैं, वो अलग से मैंने नमकीन बनाई थी। तो अब इसमें लास्ट में हमें वो चीज मिला देना है, और बढ़िया सा, बेहतरीन सा, आप इसे मिक्स चना बोल सकते हैं, और या चना का चाट बोल सकते हैं, या कुछ भी, आप इसे भेल पूरी भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अब इसमें हम वो नमकीन डालेंगे। मैंने वो जो लाई वाला था उसको मिक्स कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो मिक्स करें, वरना स्किप कर दें। और ये देखिए, मेरा भेलपूरी बनके अच्छे से तैयार हो गया है। क्या आपको मेरा आज का वीडियो चने का अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।